मैं हूँ माहनूर कुरैशी और प्रोग्राम आप देख रहे हैं हक की बात। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ काशिफ अरशाद साहब मौजूद हैं, जो कि एडवाइज़र टू सी एम के पी हैं, इसके साथ साथ कोऑर्डिनेटर हैं सी पैक के पी के। सबसे पहले तो आपको वेलकम कहते हैं शो। थैंक यू वेरी मच काशिफ साहब। अगर बात की जाए करंट सिचुएशन की, पोस्ट कोविड सिनेरियो की, तो इस सिनेरियो का क्या इम्पेक्ट है फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे और ख़ास तौर पर सी पैक? ओवरऑल जब हम देखते हैं कोविड-19 जनवरी 2020 में आया तो इसने ग्लोबल इकोनॉमीज़ को इफ़ेक्ट किया। जब ग्लोबल इकोनॉमीज़ को इफ़ेक्ट किया तो अल्टीमेटली पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी इफ़ेक्ट किया। इसके अलावा जब इसने ग्लोबल इकोनॉमीज़ को इफ़ेक्ट किया तो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज़ डायरेक्टली लिंक्ड विद इकोनॉमीज़ अराउंड द वर्ल्ड। अब जब दुनिया में स्टेग्नेशन आ गई इकोनॉमी में, ग्रोथ नेगेटिव में चली गई, तो अल्टीमेटली उसका इफ़ेक्ट आना था, तो इसी वजह से पाकिस्तान के ऊपर इफ़ेक्ट इसका आया। लेकिन पोस्ट कोविड की आप बात कर रहे हैं कि अभी चूंकि कोविड का वो ख़त्म हो गया, तो हम देखते हैं कि इन्वेस्टर जो है वो दुनिया में वो बड़ा अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में है, और ग्लोबली जो बहुत सारे ममालिक हैं वो अभी तक बंद हैं, काफ़ी उनके सेक्टर्स बंद हैं, लेकिन पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो सिचुएशन है वो बड़ी ओपन है। हमें नज़र आ रहा है कि हमारे तमाम सेक्टर्स खुले हुए हैं, इवन कि हमारा टूरिज़्म, हमारे होटल इंडस्ट्री खुल गई है, रेस्टोरेंट्स इंडस्ट्री खुल गई है, तो हमारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो इन्वेस्टर जिनको ग्लोबली, मतलब अब आप देख सकते हैं कि अमेरिका, इंडिया किस तरह हिट हो रहे हैं, अभी भी दे आर अंडर इमेंस प्रेशर ऑफ दी कोविड-19, तो हम उन लोगों को जो अभी चाह रहे हैं इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, उनको बेहतर तरीके से अट्रैक्ट कर सकते हैं ताकि पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स लेके आ सकें। सो ड्यूरिंग द पीक डेज ऑफ कोविड-19 क्या सी पैक पे केपी में काम रुक गया था, बंद हो गया था, या आहिस्ता आहिस्ता कर रहे थे काम? ओवरऑल सी पैक की एक्टिविटीज़ तो इफ़ेक्ट हुई, क्योंकि हमारी जो पाकिस्तान या ग्लोबली चूँकि WHO के जो वो थे गाइडलाइंस थी, उसके तहत हमें कुछ चीज़ें फॉर सम टाइम हमें बिल्कुल बंद करनी पड़ी थी, तो उसमें, और चूँकि वो चाइनीज़ लोग उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हैं तो वो बहुत ज़्यादा उसको ले रहे थे और बहुत ज़्यादा केयरफुल रह रहे थे, तो शुरू में हमने अपना सी पैक के ऊपर जो डेवलपमेंट थी उसको बंद किया था, लेकिन जो अंडरग्राउंड वर्क था वो चल रहा था, और ये सी पैक ही की वजह है कि हमारा चाइना के साथ जो इंटरेक्शन है वो तमाम सेक्टर्स में बढ़ गया है, जिसकी वजह से कोविड में चाइनीज़ गवर्नमेंट का हमारे साथ सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा और हम बड़ी आसानी से बहुत सारी चीज़ें हासिल करने में कामयाब रहे हेल्थ सेक्टर के लिए अपने लिए। तो इस वजह से भी आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने बहुत बेहतर तरीके से और बहुत अच्छे अंदाज़ में कोविड-19 को कंट्रोल करने में दुनिया की दूसरी अकवाम से बेहतर परफॉर्म किया है। सही। अच्छा, कुछ मिथ्स भी हैं, कुछ बातें भी हैं, क्रिटिसिज्म भी है कि बड़ा स्लोली काम चल रहा है या काम के पी में स्लो होता है, ये भी कहा जाता है, तो अगर सी पैक के हवाले से बात कीजिए, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं सी पैक के पी में और क्या कब तक एक डेडलाइन है कि तब तक कंप्लीट हो जाएंगे? असल में सी पैक जो है 2012 में कंसीव हुआ, 2013 में पहला अग्रीमेंट हुआ, फिर 2015 में दूसरा और मेजर अग्रीमेंट हुआ PMLN के दौर में, तो सीज़ा जो एक्ट हुआ था वो 2012 में पास हुआ। ये एक लॉन्ग टर्म प्लान है जिसकी कंप्लीशन 2028 और 2030 के दरमियान होनी है, तो ये एक रैपिड वो नहीं है। दूसरा ये है कि बहुत सारे लोगों के जहन में है कि सी पैक एक रोड है जो बन रही है, तो ऐसा भी नहीं है। सी पैक एक मल्टी सेक्टोरल प्लान है जिसमें आपके इकोनॉमिक जोन्स बनने हैं, जिसमें आपका एनर्जी का सेक्टर है, जिसमें आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें मतलब देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जिनको हम कवर कर रहे हैं।
तो केपी बहुत आगे है, बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहा है। उसकी एग्जांपल ये है कि हमारा जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में से दूसरा स्पेशल इकोनॉमिक जोन है रशकई इकोनॉमिक जोन, उसका अभी पहले कंसेशनल एग्रीमेंट हुआ और अभी उसका क्या कहते हैं उसे उसका मतलब फ्यूचर के हवाले से कि उसको ऑपरेशनल लेवल पे लेके जाना है, तो वो जॉइंट वेंचर जो है उसका अग्रीमेंट भी हो गया है। वेरी सून आप देखेंगे कि हम सीपेक को सीपेक के जो दूसरे हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं उनके डेवलपमेंट के ऊपर भी काम कर रहे हैं, और बहुत जल्द इंशाल्लाह हतार में जो जोन है वो भी डेवलप होगा। फिर जो इसके साथ बाकी हमारे चूँकि हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं वो भी काम हो रहा है, सुखी किनारी डैम है उस पर काम हो रहा है। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो चल रही हैं केपी में, और ऐसा नहीं है कि ये स्लो चल रही हैं, दे आर मूविंग विद द पेस प्लान्ड, जो प्लानिंग है अकॉर्डिंग टू दैट वी आर मूविंग। तो यूथ के लिए खास तौर पे केपी के यूथ के लिए क्या जो है इसका फ़ायदा होगा, कौन कौन सी नई जॉब अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं? बहुत बेहतरीन सवाल है, क्योंकि सीपैक और इसका फ़ायदा तब है जब हमारी यूथ एंगेज हो, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट हों, एम्पावरमेंट हो लोगों की। और प्लान भी यही है, क्योंकि सीपैक के साथ बहुत सारी चीज़ें लिंक्ड हैं और जो सारी इंडस्ट्रीज उसके साथ लिंक्ड हैं उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, और वो ह्यूमन रिसोर्स जो उन स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ में स्किल्ड हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि केपी गवर्नमेंट ने पिछले 2 साल में ऑलमोस्ट 460 स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली इस मकसद के लिए भेजे हैं, जो चाइना के कल्चर को समझें, उनके बिजनेस एनवायरनमेंट को समझें, उनके साथ काम करने के तरीके को समझें, और इसके अलावा वो उनके जो हाईटेक इंडस्ट्रियल जोन्स हैं उनको स्टडी करें और डिफरेंट स्पेसिफिक फील्ड्स में मास्टर्स और पीएचडीज की डिग्री लें, ताकि वो चाइनीज़ के ये जो हाईटेक इंडस्ट्रीज़ यहाँ आ रही हैं या जो भी इंडस्ट्री आ रही है उसमें उनके साथ मिल के काम कर सकें। अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो अभी हमारा पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन है इसमें हज़ारों की तादाद में नौकरियों की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो हम इसके अलावा हमने केपी में 3 चाइनीज़ लैंग्वेज सेंटर्स गवर्नमेंट ने बनाए हैं, ताकि हम अपने लोगों को जो कि डिफरेंट स्किल्स रखते हैं उनको ट्रेन करें, और वो लोग फिर कल को चाइनीज़ के साथ, क्योंकि चाइनीज़ के साथ कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है कि चाइनीज़ लैंग्वेज आपको आपकी बेहतर हो। सो वी आर ट्राइंग टू स्किल अवर पीपल विद दी चाइनीज़ लैंग्वेज, जो आपकी वर्किंग लैंग्वेज होती है, जो आपको वर्किंग एनवायरनमेंट के लिए चाहिए होती है। सो अगर काशिफ साहब बात की जाए चाइनीज़ लैंग्वेज के हवाले से, लोगों का कुछ ऐसा भी कहना है कि ऑलरेडी हम उर्दू की तरफ नहीं जाते, ऑलरेडी हम अपनी कौमी ज़ुबान तो सीख नहीं रहे, और हम अपनी यूथ को जो है बहुत ज़्यादा इंकरेज करें कि वो चाइनीज़ सीखे। जो पश्तो बोलने वाली यूथ है वो बजाय उर्दू के चाइनीज़ की तरफ जाएगी, जो पंजाबी बोलने वाली यूथ है वो बजाय उर्दू के चाइनीज़ की तरफ जाएगी, या पंजाबी को छोड़ के चाइनीज़ की तरफ जाएगी, तो इसका डोमेस्टिक लेवल पर क्या इम्पेक्ट होगा? मेरे ख़्याल से आप ज़बानें जितनी ज़्यादा सीखते हैं तो आपका दिमाग उतना बेहतर काम करता है, और ये साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और जो भी आपके ब्रेन साइंसेस के एक्सपर्ट्स हैं वो बताते हैं। मैं ख़ुद कोई 6 ज़बानें बोल सकता हूँ, तो अगर लोग मल्टीपल लैंग्वेजेस बोलें तो इसका बेनिफिट होता है उनको और कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो सीखना चाहें, हम उन ये कोई कंपल्शन नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि उनको जॉब की अपॉर्चुनिटी मिले। जिनको जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं है उनके लिए नहीं है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल दीज आर दी एक्सपर्ट सेंटर्स इन चाइनीज़ लैंग्वेज, अब इसमें सिर्फ वो लोग आना चाह रहे हैं जो सीपेक में अपने लिए जॉब सर्च कर रहे हैं। सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि इसका फ़ायदा उनको होगा, बेशक वो अंग्रेज़ी ना सीख रहे हों, उन्हें अंग्रेज़ी ना आती हो। जैसे एक प्लम्बर है, जैसे एक टेक्नीशियन है, मतलब मुख्तलिफ फील्ड्स के टेक्नीशियंस, उनको तो अंग्रेज़ी नहीं आती है, लेकिन स्पीक पश्तो ओनली, या वो उर्दू बोल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बोल सकते। तो थर्ड लैंग्वेज वी आर नॉट आस्किंग देम कि वो अंग्रेज़ी सीखें, इंस्टेड चाइनीज़ वर्किंग लैंग्वेज जो उन्हें प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट है। कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये सीपैक सारा, अगर सिर्फ हम रोड की बात करें तो रोड के ऊपर कल को प्लम्बर्स, कल को टायर, वो जो टायर टेक्नीशियंस होते हैं, गाड़ी ख़राब हो गई, फ्लॉ हो गया, इन चीज़ों के लोगों की ज़रूरत होगी।
ठीक है, तो जो बंदा चाइनीज़ लैंग्वेज समझता होगा वो उन लोगों को बेहतर तरीके से डील कर पाएगा, तो उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी बेहतर होगी। गुड फॉर द इकोनॉमी। जी एग्जैक्टली। सो एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज प्रोग्राम के इन में मैं ये देना चाहूँगा कि इस मुल्क की तब्दीली जो है, जो हम कहते हैं कि तब्दीली कैसे आएगी, तब्दीली हुकूमत से नहीं आती है, तब्दीली इंडिविजुअल लीडर से भी नहीं आती है, तब्दीली नीचे से आती है, अवाम से आती है। और अवाम से तब्दीली कैसे आती है? अवाम से तब्दीली ऐसे आती है कि अवाम नीचे से गलत काम को गलत और सही को सही कहें। जो काम मैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे फॉलोवर्स और सपोर्टर्स हैं, लेकिन अगर मैं कोई गलत कदम उठाता हूँ तो उन्हें मुझे रोकना चाहिए और इसके ऊपर क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, ना कि मैं एक गलत कदम उठाऊं और मेरे सपोर्टर्स उसमें भी मेरे साथ खड़े हों। हमें हक़ का साथ देना चाहिए और जो बातिल है उसके ख़िलाफ़ खड़ा होना चाहिए, और यही हक़ टीवी की आवाज़ है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया काशिफ साहब आपके कीमती वक्त का। और एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम काशिफ साहब ने बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि हक का साथ दे। सुनते रहिए हक न्यूज़। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अल्लाह हाफिज़।